पर अब लिख रहे हैं ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन के चैंपियन लेकर हमारे आज के मेहमान कुश बोहरा जुड़ गए हैं। कुश, बाजार की हालत तो बड़ी देखिए खराब है, एक्सपायरी थोड़ी सी कमजोर नोट पर होने जा रही है, आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं, ऑप्शंस में कहां कमाई होगी? जी अभिषेक, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जस्ट अभी विवेक को भी सुन रहा था। आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट कि यहाँ से जो भी ये करेक्शन हम फिलहाल देख रहे हैं ये मार्केट के लिए हेल्दी है, तो मैं यहाँ तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढूंगा, स्पेशली ऑन द स्टॉक्स जहाँ पे हमने रनअप काफी देख लिया था। लेकिन आज का जो मेरा स्टॉक है वो ऐसा है जिसमें हमने फिलहाल अभी तक कोई करेक्शन नहीं आता हुआ देखा है, एंड दैट इज सन फार्मा। ये पूरे फार्मा पैक में अच्छी खासी एक बढ़त चल रही है। आज सन फार्मा ने बहुत क्लियर ब्रेकआउट भी दिया है, तो ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। ऑप्शन डेटा में देखूं तो 1200 तक के जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है, तो यहाँ तक का एक क्लियर रन इस स्टॉक को मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया, फार्मा सेक्टर में तो एक अपमूव है ही, दैट इज ऑल्सो बेनिफिट दैट द स्टॉक कैन रिसीव। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी लगाएं जिसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ आप 1140 का कॉल बाय करें फॉर अ प्रीमियम ऑफ 37 रुपीज, और 1200 का कॉल आप सेल करें फॉर अ प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज। इस स्ट्रैटेजी में आपका जो मैक्स लॉस है ये हो सकता है 15,400 रुपए का, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट है ये हो सकता है 26,600 रुपए का। तो एक्सपायरी पे सन फार्मा 1200 या उसके ऊपर क्लोज होता है तो 26,600 रुपए का आपका प्रॉफिट हो सकता है। और राइट, सन फार्मा आज वैसे भी सारी फार्मा स्पेस अच्छा चल रहा है, और सन फार्मा में आपको यहाँ से भी एक ब्रेकआउट, इस मूव के बाद भी ब्रेकआउट दिख रहा है, तो एक थोड़ी सी डिफेंसिव बेट की तरफ आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। लेकिन आप स्टॉप लॉस ज़रूर याद रखें हमारे व्यूवर्स, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की ज़रूर होती है। शुक्रिया कुश ये ट्रेड बताने के लिए।